हेलो ट्रीडर्स एंड वेलकम टू द स्टूडियो मेंबर्स मारुति को आज के दिन हमने ट्रेड किया था इधर चार या पांच दिन से काफ़ी बिजी शेड्यूल है जिस वजह से कोई भी वीडियो अपडेट आप लोगों के लिए नहीं है और आज का भी जो वीडियो है वो ट्रेड एग्जीक्यूट करने के बाद ही हम रिकॉर्ड कर रहे हैं सो so, मारुति के अंदर देखिए एक डाउन ट्रेंड आपको काफ़ी दिन से देखेगा प्राइस हमारा नीचे की तरफ गिर रहा है एक यहाँ से ये इसके हाई शिफ्ट नीचे की तरफ और ये आज की कैंडल बनी है काफ़ी अच्छा मूवमेंट उन्होंने दिखाया प्राइस ऊपर जा रहा है वॉल्यूम ऊपर जा रही है यहाँ भी देखिए वॉल्यूम्स अप साइड की तरफ है इस जगह पर भी देखिए वॉल्यूम्स अप साइड की तरफ है पॉजिटिव है कि वॉल्यूम्स इंक्रीज तो हो रहे हैं बट प्राइस नीचे की तरफ डाउन हो रहा है और इसीलिए हमने इस ग्रीन वाली कैंडल का हाई मार्क करने के बाद में वहीं से शॉर्ट सेलिंग का अपना एक व्यू बनाया क्योंकि प्राइस ने गैप ऑफ ओपनिंग दे दी थी करीब दो तीन दिन से प्राइस एक रेंज के अंदर रुका हुआ है अभी जब लोअर टाइम फ्रेम पर आप देखोगे तो प्राइस ने ए, एक एक एज अ मदर कैंडल वापस से लोअर टाइम फ्रेम पर चलते वहाँ देखिएगा एक ये देखिए इसने गैप ऑफ ओपनिंग दिखा दी थी बट गैप ऑफ ओपनिंग के बाद में प्राइज नाइन की कैंडल के हाई को भी ब्रेक नहीं कर पाया ये देख रहे ना एक गैप ऑफ ओपनिंग के बाद में प्राइस सीधे फिर हमारा नीचे की तरफ गिर गया यहाँ से प्राइस गिराया इस जगह से एग्जैक्ट रेजिस्टेंस पॉइंट गैप ऑफ ओपनिंग दिखाई आपने इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया ऊपर की तरफ और वहाँ से फिर से देखिए अपने प्रीवियस रेजिस्टेंस के एरिया में पुट एंट्री लेने के बाद में प्राइस अपनी रेंज के अंदर ट्रेड करने लगा हालांकि निकल हम पहले ही गए थे यह नहीं मालूम था कि प्राइस वहाँ तक गिर जाएगा सो जैसे ही थोड़ा बहुत हमको लगा कल की 325 की कैंडल आप थ्री मिनट के टाइम फ्रेम पर देखोगे तो कल की 325 की कैंडल के पास में हमने यहाँ से एग्जिट मार देंगे सो ट्रेड बुक अपनी ओपन कर लेते हैं और लास्ट ट्रेड हमने एग्जीक्यूट किया था अपना हिंडालको का तो 1550 के आसपास कुछ क्वांटिटी थी काफ़ी अच्छा ट्रेड एग्जीक्यूशन हो रहा था करीब आठ या दस हज़ार रुपये का प्रॉफिट हमने उसके अंदर बुक किया था तो वो वीडियोस देखिए उसमें एक हमने चैलेंज दिया था, था थर्टी डेज़ का एक एक्सरसाइज दी थी करने के लिए उसको करिए आपको बहुत अच्छा लगेगा पूरा एक सिस्टम बता दिया पूरा एक मनी मैनेजमेंट बता दिया आप लॉस नहीं कर सकते वो वीडियो तो ज़रूर देखिएगा आगे बढ़ते हैं आज की वीडियो पर एंड इसको लेकर के आज हमने स्टॉक सिलेक्शन अपना किस तरह से किया है एंट्री क्या रही है स्टॉप लॉस क्या रहा है एक एक चीज़ हम लोग अभी देखेंगे इसके अंदर सो so, यहाँ पर सबसे पहले हम लोग पोजिशन या ऑर्डर बुक चलिए ओपन करते हैं ऑर्डर बुक में आप देखिए अच्छा नीचे देखिए एक क्वांटिटी मॉर्निंग से एग्जीक्यूट हो गई थी तो जल्दबाजी में क्वान्टज़ पुट करना भूल गए थे तो 8609 सिक्स यहाँ तक हमने सिर्फ उसका एंट्री पॉइंट लगा दिया था तो जितने पर हमने एंट्री मारी उतने पर ही हम एग्जिट भी कर गए एट सिक्स जीरो नाइन क्योंकि यहीं से हमें एंट्री लेनी थी तो एक की क्वानिटिज थी उसको एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं एक की क्वानिटी मारी थी और बाद में फिर वहाँ से हम निकल गए दोबारा वहाँ पर हमने फिर अपना ऑर्डर लगाया एट सिक्स जीरो नाइन पर अपनी एंट्री ली है एट सिक्स टू सेवन पॉइंट नाइन जीरो वहाँ पर स्टॉप लॉस लगाया और एट फाइव वन एट पॉइंट नाइन्टी फाइव यहाँ पर हमने अपने प्रॉफिट्स बुक कर लिया करीब डेढ़ सौ क्वानिटी के साथ हमने मारुति को अच्छे दिन ट्रेड किया था और एक अच्छा खासा प्रॉफिट हमें मारुति ने दिया इसको एक बार फिर से रिफ्रेश कर लेते हैं ओके सो एक निफ्टी के साथ हमने इसको एनालाइज़ किया था कि निफ्टी की जो जनरली हम कैंडल 945 की आपको कई बार हमने बताया होगा ना बिल्कुल वहाँ से कंफर्मेशन हो गया था क्योंकि 950 की 945 की कैंडल ने नीचे की तरफ क्लोजिंग दी रिट्रेस और वापस से प्राइस फिर मारा नीचे की तरफ तो पूरा पूरा लेके चले थर्टीन का प्रॉफिट है ओके ठीक है थर्टीन का डिसेंट सा प्रॉफिट है ठीक ठाक प्रॉफिट है अच्छा प्रॉफिट है सो so, अब हम लोग चलेंगे वापस से चार्ट के ऊपर और वहाँ पर देखने की और समझने की कोशिश करेंगे कि ओवरऑल एनालिसिस किस तरह की रही है हमने कैसे रीडिंग की है और किस तरह से हमने इसके अंदर अपनी ट्रेंड एनालिसिस की और निफ्टी को कैसे हमने इसके साथ आज मर्च किया है सो so, थैंक्स वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा कॉमेंट कीजिएगा चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा थैंक्स एंड स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो अभी एक डिस्कशन चल रहा था उसको लेकर के हाँ एम के आर यूर्स टिटी को लेकर के तो क्रिप्टो में कॉल हुई थी तो कॉल के ऊपर करीब तीस या चालीस मिनट तक हम लोगों ने डिस्कशन किया आमिर है अपने स्टूडेंट रह चुके हैं और उन्हीं से डिस्कशन चल रहा था तो क्रिप्टो में कुछ कुछ चीज़ें वो पूछ रहे थे हमसे कि इसके अंदर रिवर्सल्स किस तरह से होंगे और कैसे हम लोग यहाँ पर सपोर्ट्स रेजिस्टेंस वगैरह काफ़ी कुछ चलता रहा एम को जस्ट जब हम लोग एनालिसिस कर रहे थे उस वक्त तभी हमने इसके अंदर एक सपोर्ट एरिया ड्रा किया था अब एम में देखिए उस वक्त की जो हमारी और आमिर की एनालिसिस थी उसके अकॉर्डिंग प्राइस को यहाँ से लेकर के एक डाउन मूव दिखाना चाहिए एट तक यहाँ तक प्राइस आ सकता है अब अगर हम लोग वापस जाएंगे फाइव मिनट सॉरी फिफ्टीन मिनट के टाइम फ्रेम पर फाइव नहीं यहाँ पर हम लोग टाइम फ्रेम देखते हैं फिफ्टीन मिनट का तो फिफ्टीन मिनट के टाइम फ्रेम पर बहुत अच्छा एक एट दी एंड हमें तो ऐसा लग रहा है कि एम जाएगा ऊपर लेकिन क्योंकि इसने अपने काफ़ी अच्छे स्विंग्स को ब्रेक किया हुआ है ये वाला स्विंग टूटा है ये वाला स्विंग टूटा है और ये अभी तो नीचे की तरफ जा रहा है तो मूवमेंट कम से कम यहाँ पर तो आकर के इसको सपोर्ट लेना चाहिए और यहाँ से अगर जाता है तो ये ऊपर निकल जाएगा मे बी चांसेज़ हैं कि ऊपर की तरफ जाएगा और अगर इसने इस वाले लेवल को भी तोड़ करके नीचे की तरफ सपोर्ट्स ब्रेक किया ना तो यहाँ पर भी चला जाएगा तो क्या है इसके क्रिप्टो का चार्ट या फॉरेक्स के चार्ट्स के थ्रुम क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं प्राइस एक्शन मास्टर है मास्टर है प्राइस एक्शन आप चाहे क्रिप्टो पे लगाओ चाहे फॉरेक्स पर लगाओ चाहे एम सिक्स पर लगाओ चाहे स्टॉक पर लगाओ चाहे डेरिवेटिव्स पर लगाओ ऑप्शंस के भी तो बहुत सारे ट्रेड हमने डाल रखे हैं चैनल पर आप देखोगे तो आपको मिलेंगे लेकिन मेथड्स हर जगह सेम लग रहे हैं सेम मैथड्स हैं आप चाहे कुछ भी देखो प्राइस एक्शन में अगर हाथ मजबूत हो गया एक बार तो आप कुछ भी ट्रेड कर लोगे गारंटी है कुछ भी ट्रेड कर लोगे। अब जैसे हम लोग मारुति को देख रहे थे मारुति के अंदर हमने क्या बताया था सारी मार्किंग्स को चलिए हम रिमूव कर दें हटा दें अब यहाँ से हमने इस ग्रीन वाली कैंडल का जस्ट हाई मार्क किया था क्यों मार्क किया था क्योंकि देखिए ना प्राइस आपका मूवमेंट्स दिखा रहा है अपसाइड की तरफ यहाँ पर मार्किंग्स कर लेते हैं पॉलीलाइन से ये हाई लगा हाई के बाद में देखिए लो अगेन हाई फिर से लो फिर से हाई फिर से लो और ये वाले मूवेंट्स चलिए उसको छोड़ दीजिए वो तो आज ही आज की कैंडल बनी है तो प्राइस क्या कर रहा है जब जब प्राइस आपके हाइज लगा रहे यहाँ पर वॉल्यूम्स इंक्रीज़ हो रहे हैं अब अगर प्राइस को अप साइड की तरफ जाना है प्राइस को अगर ऊपर की दिशा में जाना तो ठीक है वॉल्यूम्स इंक्रीज़ हो रहे हैं तो प्राइस यहाँ से फिर ऊपर चला जाए ना बट प्राइस जैसे ही अपने स्विंग के पास पहुँच रहा है इसके अंदर वॉल्यूम्स इंक्रीज़ हो जा रहे हैं और प्राइस आपका लो ब्रेक कर दे रहा है तो ये तो डाउन का एक तरह का सिम्टम हो गया इस वाली ग्रीन कैंडल के नीचे भी प्राइस आपका रेजिस्टेंस ही ले रहा है वरना नीचे की तरफ चला गया हो और फिर से देखिए प्राइस हमारा अप साइड की तरफ जा रहा है अगेन डाउन अगेन अप और फिर से देखिए यहाँ पर इसने वॉल्यूम्स इंक्रीज़ कर दी अब अगर प्राइस को ऊपर जाना है तो चला जाए जैसे कि ये वाली अपनी कैंडल है लो के नीचे इसने क्लोजिंग कर दी यहाँ पर भी देखिए अगर हम हाई को मार देंगे हाई को मार्क करेंगे तो क्या किया था मार्केट ने लास्ट जो यहाँ पर स्ट्रक्चर बना है सेम स्ट्रक्चर को इस जगह पर एनालिसिस कीजिए इसके की। कि प्राइस ने एक गैप अप ओपनिंग दिखाई इस रेंज के ऊपर प्राइस हमारा नहीं निकल पा रहा तो इसने अचानक से गैप अप ओपनिंग दिखाई अब अगर ये स्ट्रांग है तो इस चला जाए ना ऊपर वापस से प्राइस इस ग्रीन वाली कैंडल की रेंज के अंदर आकर के ट्रेड कर रहा है क्या मतलब है इसका सीधा सिंपल सी चीज़ है ना कि एट एट फाइव फोर पॉइंट फाइव जीरो ऊपर जा रहा है अगर गैप ऊपर दिखा रहा है तो यहाँ से चला जाए ऊपर बट प्राइस इस जगह पर आया यहाँ से नीचे चला गया ठीक है जैसे प्राइस इस रेंज के नीचे आएगा हम शॉर्ट मार देंगे ना स्टॉप लॉस लगा देंगे यहाँ कहीं जाएगा स्टॉप लॉस तो चला जाएगा प्रियॉरिटी हमारी क्या है स्टॉप लॉस हिट नहीं होना चाहिए टारगेट मिल रहा है छोटा बड़ा जो मिल रहा है उसको लेंगे ठीक है मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है वन इज टू थ्री टू फोर फाइव सिक्स जो भी है वो बात की बात है प्रियोरिटी होनी चाहिए एक प्रोफेशनलिज्म ये बोलता है कि आपका स्टॉप लॉस हिट ना हो अगर स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ अगर नहीं हुआ तो कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट आप गारंटी ले करके ही निकलोगे बाहर तो ध्यान होना चाहिए कि हमारा स्टॉप लॉस सेफ रहे अब मारुति के अंदर ये हमारी इंपॉर्टेंट कैंडल कौन सी होगी ग्रीन वाली इंपॉर्टेंट कैंडल से हमारा मतलब ये है कि अब जितनी भी एनालिसिस और रीडिंग हम लोग करेंगे वो अपनी इस वाली कैंडल के थ्रू ही करेंगे अब यहाँ से देखिए इस ग्रीन वाली कैंडल के पास में हो क्या रहा है प्राइज के ऊपर निकल रहा है नहीं निकल रहा है यहाँ पर क्या हो रहा है डाउन साइड की मूवमेंट्स भी दिखाने की कोशिश कर रहा है वापस से प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है तो क्या हो रहा है कि अगर प्राइस को ब्रेक करे तो फिर ये ऊपर चला जाए क्लियर है ना सिंपल सी चीज़ है अगर इस ग्रीन वाली कैंडल के अंदर देखिए वॉल्यूम इंक्रीज हुई इसने स्विंग लो लगाया है अब अगर प्राइस हमारा स्ट्रॉन्ग है तो ये ऊपर चला जाए और अगर वीक है तो फिर तो प्राइज़ नीचे चला जाए मतलब कि ये कैंडल मेरी इंपॉर्टेंट हो गई चलिए हम एक काम करते हैं आज प्राइज़ ने एक गैप ऑफ ओपनिंग दिखाई थी फाइव मिनट के टाइम फ्रेम पर जब आप आओगे तो देखिए इसने क्या किया है एक गैप ऑप ओपनिंग दिखाई अब सिंपल सी चीज़ यह समझिए प्राइस को अगर ऊपर की तरफ जाना है तो वो क्या करेगा अपने रेजिस्टेंस ब्रेक करेगा ना अब यहाँ से क्या हो रहा है प्राइस अपनी 9:15 की कैंडल के, के हाई को भी ब्रेक नहीं कर रहा प्रोटेक्ट कर रहा है लो को इसने ब्रेक कर दिया कितनी ही सारी कैंडल्स बनी है वॉल्यूम्स भी इंक्रीज हुई है और प्राइस सीधे हमारा नीचे चला गया और वापस से प्राइस देखिए जैसे ही रेंज को ब्रेकआउट हुआ यहाँ से सीधे नीचे की तरफ अब ट्रेड तो हमें एग्जीक्यूट करना है हमें मालूम है कि एट सिक्स टू एट यहाँ से हमें ट्रेड एग्जीक्यूट करना है तो बेसिकली जो एक सिस्टम यूज़ करते हैं कि ब्रेकआउट होने से पहले प्राइस को हम लोग कैसे देख लें एनालिसिस एनालिस करें आज हमें वो चीज़ समझ में नहीं आई यहाँ पर क्योंकि रिट्रेसमेंट्स नहीं थे अब रिट्रेसमेंट नहीं है तो हम एग्रेसिवली हम लोग ट्रेड एग्जीक्यूट कर दें तो ये तो थोड़ा सा मुश्किल ही था हमने इसलिए वेट किया हम और छोटे टाइम फ्रेम पर गए थ्री मिनट के टाइम फ्रेम पर और यहाँ पर एक कैंडल हमने निकाली अपनी ये वाली ये ग्रीन कैंडल क्योंकि अपनी इस जो ब्लैक वाली लाइन है इस ब्लैक वाली लाइन के नीचे सबसे पहले ये वाली कैंडल गई थी ये ग्रीन वाली कैंडल और इसने एक रिट्रेसमेंट दिखा दिया ये क्या है एक पॉजिटिव वे की कैंडल है जो कि हम लोग इसको ड्रैगन फ्लाई बोल सकते हैं हमारा बिलीव नहीं है ड्रैगन फ्लाई और ये हैमर वगैरह में ये सब हम नहीं मानते लेकिन फिर भी अगर टेक्निकल लैंग्वेज में आप बोलोगे इन जनरल जो यूज़ किया था वो ठीक है प्राइस अपसाइड की तरफ गया है हमने क्या किया कि इसके जस्ट लो के नीचे हमने प्राइस के निकल जाने का वेट किया और जैसे प्राइस नीचे की तरफ निकला हमने रिट्रेसमेंट पर अपनी एंट्री ली तो एक क्वांटिटी जो आप देख रहे थे ना कि ऑर्डर बुक में एक दो तीन चार पाँच ऑर्डर लगे थे तो पांच ऑर्डर्स में से यह कहाँ गए पांच ऑर्डर में से इस जगह पर देखिए यहाँ पर हमने एक ऑर्डर एग्जीक्यूट किया था तो बिल्कुल इसी जगह पर एंट्री और एग्जिट सब कर दिया था वापस से जब ये सब चल रहा था अपना तो फिर से प्राइस देखिए रिट्रेसमेंट करने के लिए ऊपर की तरफ आया किस्मत अच्छी थी कि थोड़ा सस्ता प्राइस हमको मिल गया वरना अगर नीचे की तरफ जाता तो फिर हमें नए एंट्री पॉइंट्स फाइंड करने पड़ते लेकिन प्राइस रिट्रेस होने के लिए उसी जगह पर आया और यहीं पर हमने अपना ट्रेड एग्जीक्यूट कर दिया इस जगह पर और इस स्टॉप लॉस जस्ट इसके पास में हमको लग रहा है शायद दस या पाँच पैसे का फ़र्क होगा उसी जगह पर हमने अपने स्टॉप लॉसेस रख दिए थे ये ओवरऑल हमारी आज की एनालिसिस थी निफ्टी को जब हम लोग देखेंगे ये अम्बुजा सीमेंट है निफ्टी को ओपन कर लेते हैं निफ्टी के अंदर भी जो सपोर्ट एरियाज़ हमने मार्क किए थे आज के काफ़ी अच्छा उन्होंने परफॉर्म किया इंडासीस निफ्टी ओके सो ज कुछ नहीं करते हुए हमने सिर्फ आज की नाइन फोर्टी फाइव की कैंडल का लो मार्क किया था प्राइस की क्लोजिंग और इसके बाद में टेन दस बजे के बाद के अपने सारे ट्रेड एग्जीक्यूशन थे जितने भी थे सो so, निफ्टी के अंदर भी एक सडन मूव मतलब वन साइडेड मूवी हमको देखने को मिला था क्योंकि निफ्टी हमारे डायरेक्शन में मूव कर रही थी इस वजह से मारुति के अंदर के जो हमारे कन्फर्मेशन थे कन्फर्मेशन इन देंस के जो कॉन्फिडेंस था वो लेवल पर था तो अच्छा एक सपोर्ट मिल जाता है जब जा हम लोग निफ्टी को और को हालांकि हम इतना नहीं देखते हैं कि निफ्टी सेक्टर स्टॉक देखना अच्छी बात होती है लेकिन अब जब काम करते करते आपको लगातार इतना टाइम हो चुका होता है तो आप शायद इतना इतना उसमें नहीं जाते हो स्टॉक को आपने एक बार देख लिया ठीक है अच्छा लगा मार देते हो आप टेड तो स्टॉक लगा करके छोड़ दिया हाँ नहीं देख रहे हो देखना चाहिए उसे बहुत सपोर्ट आपको मिलता है तो हम देख करके ऐसा नहीं कहें कि हम नहीं देखते हैं फिर देखना कुछ अच्छी बात नहीं होती जब हमें लगता है हम उसको एनालाइज़ करते हैं लेकिन हमें ज़रूरत कम महसूस होती है तो जब ज़रूरत लगती है तो हम निफ्टी को भी देख लेते हैं और स्टॉक को तो भी देख लेते हैं ये दोनों चीज़ें लेकिन देखना चाहिए आप सेक्टर को या फिर अपने इंडाइसिस को देखो देख करके स्टॉक्स में एंट्री मारोगे तो और कन्फर्मेशन आपको मिलेगी और कॉन्फिडेंस आएगा सिंपल है डे टाइम फ्रेम पर हमने उस ग्रीन वाली कैंडल का हाई मार्क किया जिस ग्रीन कैंडल के ऊपर मार्केट नहीं निकल पा रही है और आज वहाँ पर जाकर के उसने गैप ऑफ ओपनिंग दिखा दी अब अगर प्राइस स्ट्रांग है तो हमारे उसी ग्रीन वाली कैंडल के हाई से प्राइस सपोर्ट लेकर के ऊपर की तरफ चला जाए प्राइस हमारी उस ग्रीन वाली कैंडल के लो के नीचे क्या करने आ रहा है अगर आ रहा है तो उसका मतलब कहीं ना कहीं नेगेटिव सिम्टम्स है और यहाँ पर भी प्राइस हमारी 915 की कैंडल के हाई को ब्रेक नहीं कर रहा है प्रोटेक्ट कर रहा है जैसे प्राइस नीचे की तरफ गया ट्रेड मार दिया टारगेट्स कहाँ पर बुक किए तो कल की थ्री ट्वेंटी फाइव का हाई जब आप मार्क करोगे एग्जैक्ट एट फाइव वन एट यहाँ पर हमने अपना ट्रेड स्क्वायर ऑफ कर दिया वो चला गया ख़त्म हो गया एक या दो दिन के बाद हम आपको नाइन फिफ्टी और थ्री ट्वेंटी फाइव की कैंडल की अपनी एक क्लास रिकॉर्डिंग आपके साथ शेयर करेंगे उसको देखना काफ़ी सही चीज़ उसके अंदर हमने जब हम क्लास में पढ़ा रहे थे तो बहुत नाइन फिफ्टीन थ्री ट्वेंटी फाइव की कैंडल पहले भी हम बता चुके हैं उसको आप देखोगे तो और और समझ में आएगी एक वो क्लास रिकॉर्डिंग है तो सारी चीज़ें हैं उसके अंदर आप उसको देखना बहुत बहुत समझ में आ जाएगा आपको कि मार्केट जिस एक कैंडल से शुरुआत करती है और मार्केट जिस एक कैंडल से अपनी एंडिंग करती है उस कैंडल की इंपॉर्टेंस क्या होती है उसको देखना बहुत अच्छा वीडियो है नॉलेजबल वीडियो है आई होप कि बहुत सारी हेल्प उससे आपको मिलेंगे और आज का आज के इस वीडियो के पीछे का पर्पस ये है कि आज के टीडियो में जस्ट आपके साथ तो शेयर करना था और अभी अभी का टाइम क्या हो रहा है और अभी का टाइम करेंट मार्केट को लोकल टाइम आठ बजकर एक मिनट हो रहे हैं पंद्रह मार्च की आज डेट है और आठ बजकर एक मिनट हुआ है सो अभी में भी हो सकता है आपको आधे एक घंटे के बाद में ये वीडियो मिल जाएगा सो वीडियो को देखिएगा अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा एंड अब हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट रेडिंग सेशन में टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में चाहो तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हो जो भी इंफॉर्मेशन हमें आप लोगों तक पहुँचानी होती है वो हम उस ग्रुप के थ्रू आप लोगों तक पहुँचाते हैं सो थैंक्स एंड वी विल मीट अगिंग